पीएम मोदी के जयपुर में 1 मई को आयोजित होने वाली सभा को सफल बनाने के लिए सभी भाजपा कार्यकर्ता अब पूरी तरह से तैयारियों में जुटे हुए हैं। और इसी कड़ी में भाजपा नेताओं ने मोदी की सभा का पहला निमंत्रण मोती डूंगरी के गणेश मंदिर में दिया। और इस दौरान जयपुर शहर अध्यक्ष मोहनलाल गुप्ता, विधायक कालीचरण सराफ, पूर्व विधायक कैलाश वर्मा सहित भाजपा कार्यकर्ता इसमें मौजूद रहे। मोहनलाल गुप्ता ने बताया है कि 1 मई को मानसरोवर के वीटी रोड के ग्राउंड में होने वाली सभा में 1 लाख से ज्यादा की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है और साथ ही सभा को सफल बनाने के लिए महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता घर घर जाकर पीले चावल बांटेंगे। मोदी जी की सभा में पधारे हैं, 1 मई को मानसरोवर में जो सभा हो रही है उसमें आए और सफल बनाए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए। हाँ, सब जगह जाएंगे हम, सब मंदिरों में जाएंगे और सब जगहों पर जाकर के पीले चावल देंगे नरेंद्र मोदी की सभा में आने के लिए, सुनने के लिए। महिला मोर्चा, हाँ जी जी जी, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, SC ST मोर्चा, सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के, सभी घरों में जाकर के पीले चावल देंगे और नरेंद्र जी मोदी की सभा में आने का इनविटेशन देंगे। देश का प्रधानमंत्री चुनना है।